नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। 26 फरवरी को पूरे देश के साथ रीवा के बाजार भी बंद रहेंगे। व्यापारियों का निर्णय है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यह निर्णय लिया है कैट के कहने पर। जिस तरीके से जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार की रोज नए नए प्रावधान आते हैं, उसको लेकर व्यापारी यहाँ पर बहुत असंतुष्ट हैं। उनका साफ तौर से कहना है, हम एक दिन का सांकेतिक बंद करने जा रहे हैं, वह बंद होगा कल 26 फरवरी को। जी हाँ, रीवा बंद रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। रीवा में रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जीएसटी के जो वर्तमान नए प्रावधान लागू हुए, उन प्रावधानों के खिलाफ एक आंदोलन आरंभ किया गया है। कैट ने इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया है और पूरे देश में ये आंदोलन के कारण व्यापारी जो है इसके साथ संलिप्त हैं और 26 तारीख को आंदोलन की एक प्रथम स्टेप के रूप में भारत बंद का आह्वान किया गया है, शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया गया है। रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जो रीवा के व्यापारियों का संगठन है, जिसमें हमारे सभी व्यापारिक संगठन शामिल हैं, चाहे वो किराना व्यापारी संघ हो, चाहे सराफा मंडल हो, चाहे गल्ला दलहन संघ हो, चाहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, चाहे रेडीमेड विक्रेता वाले हो या लोहा विक्रेता वाले हो, तो सारे सराफा मंडल, तो सभी संघों ने मिलकर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसने इस बंद का समर्थन किया है। जीएसटी के जो लेटेस्ट प्रावधान है वो आप लोग विगत कई दिनों से उसकी चर्चा सुन रहे होंगे और उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ विभिन्न संगठनों के अभी लोग हैं। व्यापारियों के लिए गले की हड्डी बन गया और अब परिस्थितियाँ इस किस्म की हैं कि ऐसे आपको अनेक उदाहरण आपने आप ही लोगों के माध्यम से सबको पता लगा होगा कि जो व्यापारी का, जिस कॉन्ट्रैक्टर का, जिस कंस्ट्रक्शन एजेंसी का साल का टर्नओवर 5 करोड़ है, उसकी 3-3 करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली गई। जीएसटी में कुछ तो ऐसे नियम हैं और ऐसे प्रावधान हैं जो आश्चर्यजनक हैं। जैसे कि अगर हमने 10 करोड़ का हमारी दुकान में स्टॉक है और उस स्टॉक के अगेंस्ट हमारी बिक्री होती है 5 करोड़ का, तो जीएसटी हमको 10 करोड़ पे लगेगा। जब हमने 10 करोड़ की बिक्री ही नहीं की, उस पर हमारा प्रॉफिट का अंश ही हमारे पास नहीं आया, तो हम कहाँ से जीएसटी का भुगतान करें। ऐसी अनेकों समस्याएं जीएसटी के कारण है। जीएसटी के लिए जो हमारे कैट के पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक बड़ा प्रधानमंत्री के नाम एक अपील की है, उसमें जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो आपका जीएसटी है इसको आप गुड और सरल टैक्स सिस्टम बनाइए, जैसा कि अरुण जेटली, जो हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने सब व्यापारिक संगठनों से जीएसटी लागू करने के समय बात किया था कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होगी इसकी और सरलीकरण होगा और इससे व्यापार जगत को फायदा होगा और काम आसान होगा। इसके ठीक विपरीत रोज के जो ये परिवर्तन और नए नियम आ रहे हैं, इसके बाद जीएसटी इतना कठिन हो गया है कि आप व्यापारी, एक आम व्यापारी जो आपके मोहल्ले में किराने की दुकान छोटा सा व्यापारी संचालित करता है, आप उसकी स्थिति समझिए कि क्या वो ये कंप्यूटर ऑपरेटर सिस्टम में, ऑपरेटेड सिस्टम में स्वयं जीएसटी लागू कर सकता है, क्या उसको इतनी जानकारी है, क्या रीवा में इतने कंसल्टेंट्स उपलब्ध हैं और क्या उसकी इतनी आमदनी है कि वो एक अच्छे सीए को या एक अच्छे वकील को फीस दे पाएगा, या क्या रीवा के वकील खाली हैं कि जिनके पास इतना समय। एक छोटी छोटी असुविधा, हमारे देश में पहले भी इनकम टैक्स लगता है और इनकम टैक्स देखिए सभी लोग भरते, तो उसकी एक प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो उसके खिलाफ अपील का प्रावधान है। तो जो लोग इनकम टैक्स हंसते हंसते दे रहे हैं, उनको जीएसटी देने में क्या तकलीफ है? अगर वो तकलीफ मान रहे हैं तो इसका मतलब है आपको थोड़ा सा संवेदनापूर्ण ढंग से सोचना चाहिए कि अगर सामने वाला उद्वेलित है तो कोई तो कारण होगा। उनमें से जो सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमुख है जिसके लिए, जिसके कारण ये हुआ, एक तो सबसे शुरू से अब तक की डिमांड ये थी, एक्ट में 1085 संशोधन हुए, लेकिन ये व्यापारी की तरफ से एक रिटर्न एक बार फाइल कर दिया गया है। मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन उसकी एक भी फूट को रिवाइज करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इवन यहाँ तक कि हम रिटर्न फाइल भी नहीं किए, उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। यदि हमने उसको सबमिट कर दिया है, सबमिट करने के बाद हम उसमें देख रहे हैं कि हमारी गलती हो गई है, उस गलती को हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं और इवन उसको हम साल भर बाद तक रेक्टिफाई नहीं कर सकते। साल भर बाद एक ऑप्शन हमारे पास होता है जीएसटीआर 9,
जिसमें हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, और उसमें भी यदि हमारी कोई ITC जो हमको टैक्स हमने परचेज करते समय दे दिया है, यदि वो हमारा छूट गया है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसमें भी रेक्टिफाई करने का अधिकार हमारे पास सिर्फ ये है कि हमारे यदि कुछ टैक्स लाइबिलिटी डिपार्टमेंट के पास पड़ी है जो हमको देना है तो उसको तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन यदि हमारी कहीं छूट गई है तो उसको हम एक्सेप्ट उसमें नहीं कर सकते। अभी जो नए बिल में आगे उन्होंने संशोधन किया है वो है नियम 21A जो रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड है। किसी भी व्यापारी का रजिस्ट्रेशन कोई भी अधिकारी उसके स्वविवेक के अनुसार यदि ऐसा लगता है कि व्यापारी ने टैक्स की चोरी की है, या व्यापारी ने ITC ज़्यादा क्लेम कर ली है, या व्यापारी ने बिना परचेज किए ITC क्लेम कर ली है, या ITC नहीं क्लेम की है, किसी भी स्थिति में बिना कोई सूचना दिए वो हमारे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं बिना किसी नोटिस की। बड़ी भूमिका ब्यूरोक्रेट्स की है जो तरह तरह के जटिल प्रावधान बना के और व्यापारियों को तरह तरह से परेशान करते हैं, और उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार पनपता है, इंस्पेक्टर राज पनपता है। हम ऐसे प्रावधानों का विरोध करते हैं।